अच्छी तो चीटी का ग्रुप होता है, आप लोग गौर करके देख लें कभी कि कोई बड़ा झिंगुर बन जाता है तो चींटी एकदम छोटी छोटी होती है, लेकिन उसे इकट्ठा मिलके घसीट ले जाती है। तो हाई कोर्ट ने अगर अपना जजमेंट सुनाया है कि 75 डेसिबल के ऊपर आप साउंड का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये कहाँ का है ये आप लोग विशेष ध्यान दें, ये कमर्शियल इलाके में 75 डेसिबल है और रेजिडेंशियल इलाके में 40 डेसिबल के अंदर है। और जो हम लोग अभी स्पीच दे रहे हैं, अभी अगर किसी के पास डेसिबल मीटर है तो वो नाप ले 120 डेसिबल से नीचे नहीं है। तो इस लड़ाई के साथ अगर सब लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो सब लोग अपने अपने नाम का 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ले, उस पे एक तरफ से लोग जुड़े हैं। अभी हमारे ही बीच में बहुत से ऐसे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो मीटिंग कर रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, वो लड़ाई लड़ें और हम तो नहीं करेंगे। हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि उनका चलेगा तो मेरा चलेगा, उनका बंद होगा तो मेरा बंद होगा। जब हम एक नहीं हो सकते तो इस पर हम आगे लड़ाई को ले नहीं जा सकते। अब आप लोग ये बताएं, इस लड़ाई को यहाँ खत्म किया जाए कि आगे ले जाया जाए? आप लोग हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के सब लोग बताएं। अगर सब लोग सहमत हैं, देखिए वकील साहब से जो बात हुई है, वकील साहब ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि जो ये 31 पेज का ये हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है, ये आज से नहीं 2000 के पहले उसको पूरी तरह से सरकार को ये आदेशित किया गया है कि वो डीएम को और फिर एसपी को, फिर थाना अध्यक्ष को ये सौंपा जाए कि कोई भी डीजे साउंड या लाउड स्पीकर कहीं रात को पकड़ा जाए तो उसके साथ आपराधिक दृष्टि में उसको लाया जाए और उसको तुरंत जो है तत्काल कार्यवाही की जाए। अब आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी प्रशासन के लोग हमारे गाड़ी पर साउंड को नहीं देखेगा, हमारे डेसिबल को नहीं देखेगा, उसे हमारी डीजे साउंड की गाड़ी अगर दिखी उसे ये नहीं समझ में आएगा कि हम उसमें एक लगाए हैं कि चार लगाए हैं। उसे भूसा की गाड़ी नहीं दिखेगी, उसे मट्टी का ट्रैक्टर नहीं दिखेगा, उसे बालू की गाड़ी नहीं दिखेगी, उसे डीजे की गाड़ी दिखेगी और उसे 25,000 दिखेगा। उन्हें सीधे दिखेगा ये डीजे आ रहा है, ये मेरा पेट भरने का भयंकर रास्ता है, इसे पकड़ो और तुरंत अंदर करो, 25,000 से 50,000 ये तुरंत छूटने के लिए, चाहे कर्ज लेगा चाहे जो करेगा ये देगा। अगर 1,00,000 का जुर्माना या 5 साल की सजा वो लगा देंगे तो फंसेंगे हम ही लोग, उन्हें लिखना है और उन्हें कमाना है, तो 25,000 लेंगे चुप्पे से, आपको छोड़ेंगे, हमारी आपकी मजबूरी रहेगी देना। तो सारे लोग अगर इकट्ठे होते हैं, हमारे डीजे हो, साउंड हो, लाउड स्पीकर हो, जागरण हो, ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे वो कीर्तन वाला हो, भजन वाला हो, सारे लोग का समूह एक हो जाएगा तो ये लड़ाई आगे जा सकती है, समूह एक नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से बैकफुट पे आ जाएंगे। धन्यवाद। आइए, हमारे बराबर से भैया आए हैं, आप भी दो शब्द अपनी रखिए। आइए बराबर से विचार कीजिए। अभी अभी हमारे बड़े भाई नैनी से चावला जी ने जो बातें कही, आप सब लोगों के हित के लिए कहा जा रहा है, अगर आप सब लोगों का सहयोग बराबर इसी तरीके से मिलता रहेगा तो आगे के लिए कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। बाकी अगर आप लोग एकत्रित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे तो ये संभव नहीं है। आए दिन इसी तरीके डीजे वाले परेशान रहेंगे और आने वाले भी समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जो भी डिसीजन लिया जा रहा है आप लोगों के हित के लिए लिया जा रहा है। धन्यवाद।
डेली डीजे दोनों भाई जहाँ कहीं हों अभी पता चला है कि वो आए हैं, उनका स्वागत है स्टेज पे। मैं इससे भी भाई बहनों से यही कहूँगा कि जो हमारे कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी अगर मंजूर हो तो आगे की लड़ाई लड़ा जाए, नहीं इसी जगह से प्रोग्राम खत्म हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, सब लोग के रोज परेशानी से दूर हो। आप लोग सहयोग रखिएगे तभी होगा, नहीं अंतर आज से खत्म हो जाएगा कार्यक्रम। और इसी बात से खत्म हो रहा, आप सेट डीजे अनुरोध करते हैं कि मंच पर आइए। आप सेट डीजे लोकागण हेलो, सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। गवर्नमेंट ने हमारी दाल रोटी छीनने का पूरा प्लान फिक्स कर दिया है। बहुत से रास्ते हैं, आप लोगों का जो निर्णय है कमेटी का वो देख लें, बाकी और भी छोटे छोटे रास्ते, लेकिन लड़ाई लंबी है। आप ये सोचिए कि आजकल में लड़ाई खत्म हो तो नहीं हो सकती, ये थोड़ी सी लंबी लड़ाई है। गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन लड़ी जा सकती है। इसके लिए सबको एक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भैया ये सामान ना कोई खरीदेगा और ना कोई बजा पाएगा। आगे आप सबका निर्णय, एक होना चाहते हैं तो भाइयों के साथ हाथ मिलाइए और जो भी बोल रहे हैं स्टाम्प पेपर अपना भर के एक हो जाइए और 200% हम लोग जीत सकते हैं। 200% मैं 1% की बात नहीं कर रहा। अभी सिर्फ गवर्नमेंट को ये पता चला है कि साउंड से प्रदूषण होता है, ये नहीं पता कि कारों से भी होता है, लोगों के घरों में एसी लगे हैं उससे भी प्रदूषण है, जो गवर्नमेंट ने पेड़ काटे हैं उससे ज्यादा प्रदूषण है, और जो बड़े बड़े बिल्डर्स इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं उससे भी प्रदूषण है। इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा और एक होने में ही सबका भला है। धन्यवाद। मैं दोनों भाई फिर अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए, हमारी बातों का सुना अंदरे और मंच पर आए। सुल्तानपुर साहब बोला दीजिए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आए, अपनी बातों को रखें।